इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ ने हाल ही में सिंगर रोहन प्रीत सिंह के साथ शादी कर ली। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया ट्रेंडिंग्स में हैं। फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन के चलते इंडियन आइडल की शूटिंग भी रोक दी गई है। ऐसे में नेहा का एक पुराना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ डांस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच उनके साथ एक हादसा हो जाता है। नेहा और आदित्य नारायण की केमिस्ट्री तो सबके सामने है। इंडियन आइडल के 11वें सीजन में तो आदित्य ने नेहा को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था। ऐसे में नेहा शो के दौरान स्टेज पर डांस करने के लिए कहती हैं, लेकिन डांस करते हुए अचानक नेहा का पैर फिसल जाता है और वो मंच पर गिर जाती हैं। हालांकि इससे आदित्य भी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं होती तो सभी चौंक जाते हैं। इंडियन आइडल 11 के दौरान तो दोनों के माता पिता भी शो पे आए थे और अपनी रजामंदी भी देते हैं। हालांकि बाद में दोनों की शादी नहीं हो पाती और नेहा रोहन के प्यार में पड़ जाती हैं और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नेहा ने बताया था कि जब रोहन ने उन्हें प्रपोज किया था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि वो शादी ही करना चाहती हैं, डेटिंग नहीं। हाल ही में नेहा कक्कड़ ने वीडियो शेयर किया था जिसमें नेहा कक्कड़ अपने पति रोहन प्रीत सिंह के साथ जमकर पूल में मस्ती कर रही थी। साथ ही टोनी कक्कड़ के नए गाने सूट तेरा टाइट पर डांस भी कर रहे थे। इस वीडियो में नेहू प्रीत का प्यार और उनकी केमिस्ट्री साफ तौर पर देखने को मिली थी।